वार्ड क्रमांक 35 के रहवासियों ने महापौर मीना जोनवाल का घेराव कर दिया। सुबह नारेबाजी करते हुए बंगले पर पहुंचे रहवासियों ने अपने क्षेत्र को डूब क्षेत्र से बाहर निकालने के साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग महापौर से की, लेकिन महापौर ने उनकी मांगों से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें सांसद और विधायक के यहाँ जाने का रास्ता दिखा दिया। वार्ड क्रमांक 35 के अंतर्गत आने वाले जबरन कॉलोनी, नीलगंगा, मंचमन आदि क्षेत्रों को डूब क्षेत्र से बाहर निकालने की मांग को लेकर लोगों ने महापौर मीना जोनवाल का घेराव कर दिया। जनता के आक्रोश को देखकर महापौर मीना जोनवाल भी तैश में आ गई और सभी को सांसद विधायक के घर का रास्ता दिखाने लगे। रहवासियों की मांग थी कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ नगर निगम के माध्यम से मिले, लेकिन महापौर ने उनकी सभी मांगों से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें सांसद और विधायक के यहाँ जाने के लिए बोल दिया। हमारा शांति नगर डूबत में दिया है, तो वो किस कारण डूबत में दिया, वो तो हर साल पानी भरा, मतलब अभी तो 3-4 साल से पानी नहीं आ रहा है। जब ज़्यादा पानी गिरता है तो पूरे देश में पानी भरता है। हमारे शांति नगर का ही कोई जरूरी नहीं है कि शांति नगर में पानी भरा है, तो हमारा डूबत में क्यों दिया और हमें आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? हमें आवास योजना का जो सरकार ने योजना निकाली है उसका लाभ हमें चाहिए। क्या है 35 नंबर वार्ड में शांति नगर आज महापौर के पास आए? हाँ, आज यहाँ पे घेराव दिया तो उनने हमें बोले ये डूबत में दिया है जो 2011 में, हाँ 2011 में बोला था कि जिनके सर्वे हो गया है उनको ही वो नाम जुड़ा है और आपका बोले नाम नहीं जुड़ा है। हम लोग वार्ड 35 से हैं और हमारी एक समस्या लेके हम महापौर जी के पास आए हैं कि हमारे जो इस वार्ड को इन्होंने डूबत में दिया है उसको डूबत से बाहर किया जाए और उसको जो भी हमें प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाओं के लाभ दिए जा रहे हैं वो हमारे वार्ड 35 को दिया जाए। महापौर जी ने कहा है कि सांसद जी के पास जाइए, विधायक जी के पास जाइए, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, नगर निगम के हाथ में ये चीज़ नहीं है।